ये मैडम आप देख रही हो, ये इस वक्त पाकिस्तान का तीसरा केव है जिसमें पानी है। अच्छा। और इस केव की सबसे बड़ी खूबसूरती ये तीन तालाब है, ये देख रहे हैं, एक दो, ये तीन छोटे छोटे तालाब है। इसमें दो किस्म के वो बनते हैं फॉर्मेशन, एक जो पानी ऊपर से गिरता है वो भी फॉर्मेशन क्रिएट करता है, और फिर जो पानी जिधर गिरता है जिस तरह ये इस पे गिरा है, ये फिर नीचे से डेवलप होता है। अच्छा। हाँ। एंड ये अच्छा, तो ये जो ऊपर से वाला होता है वो, ये दुनिया में जो केव एक्सप्लोरर है इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि स्टेलिंग टाइट कौन सा है, स्टेलिंग माइट कौन सा है और हेलिक टाइट कौन सा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो स्टेलिक टाइट है वो जो ऊपर से पानी जो ऐसे आ रहा है फॉर्मेशन, स्टेलिक टाइट है, और जो जमीन से उपरता है वो स्टेलिक माइट है। अच्छा। और इसके बाद जो ये दूसरे फॉर्मेशन है वो हेलिक उसमें आते हैं। ठीक है, ये इसका स्पेलियोलॉजिकल डेफिनेशन है। अच्छा। और हम जो केवल्स हैं खसूसन, हम इसकी वजह से केव्स में जाते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत है। देखो आप बिल्कुल जैसे आप के बर्फ है और उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत बर्फ के वो फूल है, बिल्कुल सारे ये बने हुए हैं ना। हाँ। तो ये केव्स की ब्यूटी, ये फॉर्मेशंस होती है। मुझे ये बताएं, जब हम केव्स की बात करते हैं, हम पढ़ते भी हैं हिस्टोरिक बुक्स में कि इनमें कुछ सिविलाइजेशंस रहती थी जी, काफी हद तक। हाँ। लोग केव्स के अंदर रिहायश रहते थे, रिहायश थी ना उनकी। केव मैन आज तक मशहूर है। तो आपने कभी ऐसे हुआ कि आप किसी एक्सपेडिशन में गए हो? हाँ। और आपने कोई असरात देखे ह्यूमंस के, यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन, या कभी कुछ होता है ना, कोई इंस्क्राइब हुआ हो, कोई लैंग्वेज आपने कुछ डिस्कवर की हो? ये बोलान में एक जगह है, बल्कि उधर कुछ केव्स में हमें वो मिले थे, ख़ासकर एक इलाका है जब आप टूवर्ड्स कराची जाते हैं। हाँ। मंगोचर एक इलाका है, ठीक है, कलात से इस तरफ कोयटा की तरफ मंगोचर में कुछ केव हमने एक्सप्लोर किए थे, उसमें ये लिखाई हमें मिले थे जो मैन जो इंसानों ने मतलब वहाँ पे लिखाई की थी। अच्छा। और एक केव जो है मुसखेल में है, मुसखेल से साइड पे वहाँ पे जो है जिसमें जो है ये लिखाई के असरात वगैरह ये है, जहाँ पे हाँ ये उस वक्त के सिविलाइजेशन की वो करते कि वहाँ पे कुछ लोग रहते थे। जो लोग इस केव को देखने आए, बराए मेहरबानी वो हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि केविंग हर शख्स की बस की बात नहीं है ना। ये फॉर्मेशन इस केव्स की खूबसूरती है। हाँ। इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, इसको तोड़ा नहीं जाए, आए इसको देख ले, इंजॉय करे, हमारी आइंदा नस्लों के लिए। हाँ। इसको छोड़े प्रॉपर रूट के थ्रू। हाँ, ताकि बिल्कुल हमारे थ्रू आए। हम एक्सपर्ट है, मेरे 36-37 साल हो गए केविंग एडवेंचर स्पोर्ट्स में, 144 केव में, 144 केव मैंने एक्सप्लोर किए हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो खूबसूरती है, जैसे आज आपने एंजॉय किया, डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने एंजॉय किया, और भी लोग इसको एंजॉय करें। हम क्यों इसको ख़राब करें? इसको ख़राब नहीं करना चाहिए, इसको संभालना चाहिए, इसको प्रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि ये वतन अजीज़ पाकिस्तान का जो हमारा नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, इसको संभालना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको तहफ़ देना चाहिए, इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। जो भी केव लवर है, तो मतलब वो टूरिस्ट है। हाँ। वो आए इसको देखे, इंजॉय करे। जब इसको आप लोग चेड़ेंगे, ख़राब करेंगे, जब दूसरे लोग आएंगे उनको तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जो ये ब्यूटी है ना, ये आप देख रही हो, बहुत खूबसूरत। अगर ये खत्म हो जाए, इसमें क्या अट्रैक्शन हो? डेफिनेटली वी हैव टू प्रोटेक्ट। तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान चैनल के थ्रू ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी नेचर लवर्स है, टूरिज्म, जो भी नेचर लवर्स है, वो कभी भी इसको डिस्टर्ब नहीं करें, डिस्टर्ब करेंगे। एंड एक वो सही कह रहे हैं कि बेसिकली क्योंकि सर ने इतने साल केव एक्सप्लोर किया, ही वॉज द पायनियर, he was the first mover in terms of this type of exploration and adventure. unko zyada ilm hai ki kaun se natural resources yahan hote hain aur kin
केव को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इट्स ट्रू कि आपको हमेशा, जैसे मैं भी और मेरी टीम ने आपको कांटेक्ट किया क्योंकि एंड आप हमें रास्ते से भी, जिस रास्ते से लेकर आए हैं वो आपने ऑफ कोर्स देखते हुए आवर एक्सपीरियंस, एंड रास्ता ऑफ कोर्स मुश्किल था लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा इल्म होते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एंड वो उन्हें कदर होती है। एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान की जो मुझे भी इल्म नहीं था कि पाकिस्तान में केव्स भी हैं, खूबसूरत केव्स होते हैं, और जो अंडरवर्ल्ड है ना, द अंडरवर्ल्ड, वो भी एक अपनी दुनिया है, इट्स अनदर वर्ल्ड। इंग्लैंड से एक रिसारा भी करता है, वो कहते हैं कि ये जो है अंडरग्राउंड वर्ल्ड ना, वो कहते हैं कि जमीन के अंदर एक दुनिया है, एक इसके देखिए जिंदा है, अंडरग्राउंड वर्ल्ड, दिस इज लाइफ।